स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट गुजराती। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में हमारे गुजरात राज्य के बारे में बात की थी और ये जो सारी बातें हैं वो आपने याद कर ली होगी तथा एक्सरसाइज भी अपनी नोट्स में तथा टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 16 की ओर, मुद्दा पर थी वार्ता। यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए हैं और पॉइंट्स के ऊपर से आपको स्टोरी लिखनी है। ये जो स्टोरी है वो आपको लिखनी है खुद। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको लिख के दी है, वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखनी है। यहाँ पे हम सबसे पहले तो देखते हैं पॉइंट्स। नीचे ना मुद्दा वाँचो अने तेना परथी वार्ता लखो अने वार्ताने योग्य शीर्षक आपको। देखिए, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं। ये जो पिक्चर है वो रण प्रदेश का है, यानी कि रेगिस्तान का। तो रेगिस्तान है वहाँ पे, वैसे तो ये जो सूर्य तपता है तो बहुत गर्मी लगती है और यहाँ पे गर्मी के लिए ये दो जो मुसाफिर है वो लड़ाई कर रहे हैं। और ये क्यों लड़ाई कर रहे हैं वो हमें ये स्टोरी में देखना है। तो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट्स के ऊपर से आपको सबसे पहले तो जो स्टोरी है उसका नाम खुद बनाना है। मैंने यहाँ पे बना के दिया है, वो आपको लिखना है। बाद में पॉइंट्स दिए हैं उसके ऊपर से स्टोरी लिखनी है और लास्ट में बोध भी लिखना है, यानी कि मोरल क्या मिलता है स्टोरी में से वो भी आपको लिखना है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वार्ता। नाम और समझू मुसाफरों, और समझू यानी कि जो कोई भी बात में समझते नहीं हो उसे कहते हैं अणसमझू। क्या कहते बच्चों? अणसमझू मुसाफरों। यहाँ पे हम उसके बारे में स्टोरी लिखने वाले। आपको भी इस प्रकार से हेडिंग बीचों बीच देना है, क्योंकि स्टोरी का जो हेडिंग होता है वो आपको टाइटल जो होता है वो बीच में लिखना होता है, यानी कि दोनों साइड जगह रखनी है और बीच में क्या लिखेंगे? अणसमझू मुसाफरों। अब हम स्टोरी लिखने की शुरुआत करते हैं। इसके लिए आपको पैराग्राफ बनाना है। देखिए, मैंने इस प्रकार से पैराग्राफ बनाया है। लिखिए, उनाळानो समय हतो। ये जो दिन था वो कैसा था? गर्मी का दिन। ऊँटनो मालिक ऊँट पर सवार थईने दूर प्रवासे जतो हतो। जो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये कैमल है, उसका जो ओनर है, उसका जो मालिक है, वो ऊँट के ऊपर बैठ के कहाँ पे जा रहा था? दूर प्रवासे, यानी कि वो कहीं पे जा रहा था उसके ऊपर बैठकर। ऊँट रणमाथी पसार था तू हो तो। अब वो रेगिस्तान में से पसार हो रहा था और वो तो आपको पता है कि गर्मी का वैसे भी दिन है और जो रेगिस्तान होता है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा लगती है। तो ये जो कैमल है, ऊँट है, वो ऐसे रेगिस्तान में से गुजर रहा था। रास्ता में एक मुसाफर जोड़ायो। तो ये जो दो लोग, दो तो थे ऊँट और उसका मालिक, अब ये जो दूसरा मुसाफिर है वो भी इनके साथ आ जाता है। बनने बातों करता जाता था। अब दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों मुसाफिर बातचीत करते करते चल रहे थे। बपोरनो समय थयो। अब हुआ दोपहर। तो तब तो गर्मी और ज़्यादा बढ़ गई। ऊँटनो मालिक तेमज मुसाफर आकरा तापती परेशान थे गया। अब ऐसी गर्मी के कारण दोनों, जो एक तो ऊँट का जो ऑनर था वो और मुसाफिर दूसरा जो उसके साथ अभी जॉइंट हुआ था, वो दोनों ये जो इतना जो इतनी जो गर्मी थी, पसीना उसको आ रहा था, दोनों हैरान परेशान हो गए थे। तो ऊँटना पड़छाया माँ बेसीने राहत मेड़वा इच्छता था। देखिए, अब वो दोनों क्या चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रेगिस्तान में तो कोई मकान होता नहीं है, वहाँ पे पेड़। अब दोनों एक साथ बैठना चाहते थे तो ऐसा तो हो नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक लोग ही बैठ सकते थे, परंतु परछाई मात्र एक ने ज मिली सके तेम हतो। तेओ बन्ने परछाई में बेसवा माटे झगड़वा लाग्या अने तकनो लाभ लईने ऊँट चाल्यो ज गयो। देखिए, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये दो मुसाफिर है, वो दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। अब लड़ाई झगड़ा कर रहे थे तो ये जो ऊँट है वो वहाँ से चला जाता है। तो आया ना मज़ा बच्चों? ये जो दो मुसाफिर है वो अभी वो मुसीबत में थे, क्योंकि उनको गर्मी लग रही थी और उनको क्या चाहिए था? छाया। अब उनको छाव चाहिए थी और दोनों ने ऐसा नहीं सोचा कि थोड़ी देर तू बैठ, थोड़ी देर मैं बैठूँगा, लेकिन वो दोनों झगड़ने लगे, इसलिए दोनों में से किसी को भी छाँव नहीं मिली। और ये जो कैमल है वो दोनों की लड़ाई झगड़े से परेशान हो उठा, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं स्टोरी। ऊँट चालू गयू झगड़वामा बन्ने झगड़ता बन्ने माथी एक ने खबर रही नहीं। वो दोनों इस प्रकार खोए हुए थे लड़ाई झगड़े में कि दोनों में से किसी को भी पता ही नहीं चला कि कब कैमल है वो वहाँ से चला गया। अने आ आकरा तापमा बन्ने नी फजेती थई। अब ये दोनों को पछतावा होने लगा
और ये दोनों अभी जो ताप था, गर्मी थी, वो सहन करते हुए बैठे रहे। जब उनको पता चला कि उनका जो कैमल है वो यहाँ से चला गया है, तो दोनों मुंह लटका के बैठ गए। इसमें से बोध क्या मिलता है? मुसीबत ना समय समझदारी केड़वामां ज मजा छे। जब आप मुश्किल में हो तब आपको धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और समझदारी दिखानी चाहिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और इसमें ही मज़ा है। मुसीबत ना समये समझदारी केड़वामां ज मजा छे। तो ये हुआ स्टोरी का मोरल। ये जो स्टोरी है वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखनी है। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज है विशेषण। यहाँ पे आपको एक ग्रामर का टॉपिक दिया है, एडजेक्टिव। विशेषण किसे कहते हैं? तो इसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। ये यहाँ पे विशेषण की डेफिनेशन दी है। ऊपरना शब्द समूह में लीटी दोरेला शब्दों नामनी विशेषता दर्शावे छे। यानी कि ऊपर के या तीन जो यहाँ पे शब्द दिए हैं, तो सबसे पहले देखते हैं भूरू आकाश। आकाश है लेकिन कैसा है? भूरू, यानी कि स्काई कलर का जो आकाश, सॉरी यहाँ पे जो स्काई है वो भूरे कलर का है, नीले कलर का है। इसलिए ये जो कोई भी नाम यहाँ पे दर्शाता है तो नाम के आगे यहाँ पे आपको विशेषण लगाया जाता है। चकलियों यानि कि स्पेरोज है, कितनी है? 10, यानि कि 10। तो यहाँ पे तीसरा भी देखते हैं, गाय। गाय है लेकिन कैसी है? राती, यानि कि रेड कलर की। तो ये जो उसके आगे उसके नाम की जो विशेषता दर्शाता है वो कहलाता है विशेषण, यानि कि एडजेक्टिव। तेथी ते विशेषणों से नाम पहला आवता अने ते नामना आकार, रंग, गुण, माप, अवस्था के संख्या दर्शाता शब्द ने विशेषण कहे छे। जो हम जो भी नाम दिया है उसकी वो विशेषता बढ़ा देता है तो उसे कहते हैं विशेषण, यानि कि एडजेक्टिव। उसमें क्या क्या आ सकता है? आकार आ सकता है कि वो लंबा है, छोटा है, मोटा है, तो वो कहलाता है आकार। रंग, वो काला है, गोरा है या तो कोई भी कलर का है, तो वो भी नाम की विशेषता दर्शाता है। बाद में है गुण, यानि कि उसकी क्वालिटीज़ कौन कौन सी है, वो बहुत अच्छा है, तो ये जो अच्छा शब्द है वो क्या है? विशेषण। बाद में है माप, यानि कि वो कितने क्वांटिटी उसकी क्या है वो दर्शाता हो, तो वो कहलाता है माप। अवस्था, बाद में है संख्या, यानि कि कोई भी काउंट आप कर सके ऐसी संख्या दी है, नंबर्स दी है, तो वो भी विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं एग्जाम्पल। नीचेना शब्द समूह वाँचो अने लीटी दोरेला शब्दों ने समझो। नंबर वन है भूरू आकाश। यहाँ पे आपको स्काई के बारे में बात की है लेकिन स्काई कैसा है? नीला, यानि कि भूरा। आकाश के वो, तो इसमें से क्वेश्चन ये बनता है, आकाश तो है लेकिन कैसा है? तो वो है भूरे कलर का। आकाश के वो भूरू, भूरू यानि कि नीला कलर। नंबर सेकंड, 10 चकलियों। यहाँ पे चकली है वो आपको पता चल गया कि स्पेरोज है, वहाँ पे चिड़िया है लेकिन कितनी है, तो वो दर्शाता है ये नंबर, तो इसे कहते हैं विशेषण, यानि कि जो अंडरलाइन की गई शब्द है वो है विशेषण, एडजेक्टिव। तो ये आपको विशेषण क्या है वो पता चल गया होगा। तो इसमें से 10 है वो है एडजेक्टिव, यानि कि विशेषण। बाद में नंबर 3 में है राती गाय। जो काव है लेकिन वो कौन से कलर की है? राती, जिसे आप रेड कलर कह सकते हैं, तो गाय के भी राती। अब हम नीचे, हमें एक मैच करने के लिए दिया है जोड़ का जोड़ो। यहाँ पे शब्द दिए हैं और यहाँ पे विशेषण उनके दिए हैं। आपको चूज करना है कि इसमें से सही विशेषण कौन सा है और किसके साथ हम उसको मैच कर सकते हैं। अब नंबर 1 है महल। महल तो उसके लिए हम मूर्ख नहीं लगा सकते। महल कोई सजीव वस्तु नहीं है, सजीव नहीं है, इसलिए उसे हम मूर्ख नहीं कह सकते। बाद में गर्म, अब महल है वो गर्म भी नहीं हो सकता है। स्वच्छ, तो वो भी नहीं आ सकता है। महल 5, वो भी नहीं। महल मोटो, देखिए यहाँ पे है मोटो, तो ये जो शब्द है महल होता है वो पैलेस होता है, यानी कि वो बड़ा होता है, तो इसलिए हम उसको इसके साथ मैच करेंगे। इसके लिए आपको स्केल का यूज़ करना है। महल के साथ हम क्या कहेंगे? मोटो। ये जो है वो आपको लर्न करके ही रखना है, ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नंबर 2 है मित्र। मित्र कैसा हो? यहाँ पे आपको दिया है मूर्ख, तो हम मूर्ख जो शब्द है उसके साथ मैच करेंगे। मित्र है लेकिन कैसा है? मूर्ख। नंबर 3 है मध। अब मध यानी कि हनी, तो हनी कैसा होता है? मीठा, स्वीट्स, तो वो शब्द आपको यहाँ से ढूंढना है, वो है मीठू। मध मीठू, हनी है लेकिन कैसा है? स्वीट, वो तो आपको पता है, आपने हनी का टेस्ट ज़रूर किया होगा। नंबर 4 है चा।
चा यानी कि टी, टी कैसी होती है, हॉट यानी कि गर्म होती है, तो हम गर्म शब्द है उसके साथ मैच करेंगे। नंबर फाइव है कपड़ा यानी कि क्लोथ, क्लोथ हमें कैसे पहनने चाहिए बच्चों, क्लीन यानी कि स्वच्छ, क्लीन के लिए कौन सा शब्द यूज होता है, स्वच्छ, कपड़ा स्वच्छ, तो ये दो हम मैच करेंगे। बाद में नंबर सिक्स विद्यार्थियों यानी कि स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है कितने हैं, यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, नंबर है फाइव यानी कि पाँच, स्टूडेंट है कितने हैं, पाँच, तो ये मैचिंग आपको इस प्रकार से कंप्लीट करना है। अब आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 62 पे और एक्सरसाइज दी है, वहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे है ब्लैंक्स, कौन सा माथी योग्य विशेषण पसंद करी खाली जगह पूरो, यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन दिए हैं यानी कि ये जो यहाँ पे सारे विशेषण दिए हैं तो विशेषण में से आपको सही विशेषण ढूंढना है और ये जो ब्लैंक है वो कंप्लीट करनी है। नंबर वन है ससलू, ससलू ब्लैंक प्राणी छे, ये जो खरगोश है वो कैसा एनिमल है, जो बहुत डरपोक होता है, तो उसे डरपोक के लिए यहाँ पे एक शब्द दिया है बिकर्ण, जो सबसे ज़्यादा डरता है वो है खरगोश, तो वो है शब्द बिकर्ण, तो इसलिए ये जो बिकर्ण शब्द है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, इससे बनेगा ससलू बिकर्ण प्राणी छे। अब ये हम सेकंड नंबर के ब्लैंक्स देखते हैं, जिराफनी डोक ब्लैंक होय छे, अब ये जो क्वेश्चन है वो आपने आपको आंसर आता ही होगा, जिराफ आपने देखा है उसके जो नेक होते हैं, डोक होते हैं, गर्दन जिसे हम कहते हैं वो लंबी होती है, तो इसमें से हमें ऑप्शन ढूंढना है लांबी, और यहाँ पे हम लिखेंगे जिराफनी डोक लांबी होय छे। नंबर थ्री, अमे ब्लैंक टीवी खरीद्यू, तो इसमें से हम कौन सा विशेषण लेंगे, मोटू, अमे मोटू टीवी खरीद्यू। नंबर फोर है, मारी मम्मी ब्लैंक केड़ा लावी, यानी कि यहाँ पे हमें क्वांटिटी दर्शानी है, तो इसके लिए हमें यूज़ करना है डजन, डजन यानी कि जो भी नंग हो वो बार हो, ट्वेल्व जो चीज़ हो यानी कि ट्वेल्व बनानास हो तो उसे कहते हैं डजन, इसके लिए डजन यूज़ होता है, मारी मम्मी डजन केड़ा लावी। नंबर फाइव है, रीटानो ब्लैंक हाथ दुखे छे, अब उसको उसको हैंड है वो पेन कर रहा था, लेकिन कौन सा, इसमें से आप कौन सा विशेषण है वो लेंगे, जमणो, रीटानो जमणो हाथ दुखे छे, हाथ दुख रहा है लेकिन कौन सा, जमणो, ये आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। नंबर सिक्स, ब्लैंक रातें हमें भूला पड़िया, रात थी वो आप सबको पता है, लेकिन कैसी रात थी, अंधारी यानी कि बहुत डरावनी, जो वहाँ पे बहुत अंधेरा था ऐसी रात को हम वहाँ पे खो गए थे, तो यहाँ पे आंसर लिखना है अंधारी रातें हमें भूला पड़िया, इस प्रकार से आपको ये जो ब्लैंक है वो कंप्लीट करनी है। अब हम नीचे क्वेश्चन में देखते हैं, ई, जूथ में बंद बेसतो शब्द न हो ते सोधीने सामे लखो, यहाँ पे है नंबर वन तू, हूँ अने अमे, तो इसमें से यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोनाउन दिए है, नाउन नहीं दिए है, नाउन का मतलब होता है नाम, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, तो यहाँ पे आपको तू, हूँ, अमे ऐसे शब्द दिए, लेकिन यहाँ पे बीच में हिरवा नाम दिया है, हिरवा है वो नाउन कहलाता है, लेकिन हमें तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें से कोई अलग होता है उसको हमें निकाल देना है, यानी कि इसके ऊपर जो हिरवा लिखा है उसके ऊपर हम क्रॉस के साइन बनाएंगे और यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, ये शब्द है वो तीनों नाम से मैच नहीं होता है, ऐसा हमें नाम ढूंढना है, तो वो है हम नीर हिरवा। नंबर सेकंड देते काका मामा दादा और गौरी, काका मामा दादा ये तीन चीज़ है वो हमें रिलेशन दर्शाते हैं, काका किसे हम कहते हैं, जो पापा के भाई होते हैं वो काका यानी काका कहलाते हैं, बाद में मामा तो मम्मी के जो भाई होते हैं वो उसे हम मामा कहते हैं, दादा पप्पा के जो पापा होते हैं उनसे हम कहते हैं दादा, ये तीनों यहाँ पे रिलेशन दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पे है गौरी, गौरी है वो नाम है इसलिए हम गौरी के ऊपर क्रॉस की साइन बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे गौरी, ये तीन जूत के अंदर जो है वो सही नहीं बैठते हैं। नंबर थ्री है ऊँचो कुत्रो हाथी ससलू, कुत्रो हाथी ससलू ये तीन है वो एनिमल के नाम हुए, लेकिन ऊँचो ये तो यहाँ पे हाइट दर्शाई हुई है, तो यहाँ पे तो आपको एनिमल के नाम दिए हैं तीन, इसलिए वो जो ऊंचो शब्द है वो यहाँ पे हम नहीं रखेंगे, उसके ऊपर क्रॉस के साइन बनेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऊंचो। नंबर फोर है गुलाब गुलाबी मोगरो जुई, देखिए गुलाब मोगरो और जुई ये तीनों है फ्लावर के नेम यानी कि फूल के नाम दिए हैं यहाँ पे, लेकिन जो गुलाबी है वो तो कलर का नाम हो गया, गुलाबी यानी कि पिंक, तो यहाँ पे आपको उसके ऊपर साइन बनानी, क्रॉस की साइन बनानी और यहाँ पे लिखना है गुलाबी, ये हमें यहाँ पे जूत के अंदर नहीं रखा जा सकता। नंबर फाइव है साकर बर्फी पेंडा हलवो, साकर वो आम सी चीज़ है, बर्फी पेंडा और हलवो ये तीन है वो स्वीट्स है,
यानी कि मिठाई है, इसलिए हम इस ये तीन में से ये जो नाम है उसको निकाल देंगे और यहाँ पे लिखेंगे। बाद में नंबर 6 गणित, शास्त्र, इतिहास और गुजराती, तो ये सारे सब्जेक्ट्स के नाम दिए हैं, लेकिन इसमें जो शास्त्र दिया है वो शास्त्र हम इसमें नहीं ले सकते हैं, गणित है वो भी सब्जेक्ट है, इतिहास यानी कि हिस्ट्री और गुजराती वो भी हम भाषा लेखन जिसे कहते हैं, तो ये तीन जो नाम है वो हम यहाँ पे लेंगे और ये जो शास्त्र है उसके ऊपर हम क्रॉस की साइन बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे शास्त्र। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमारी जो चैप्टर 16 की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। हमने आज क्या सीखा, चैप्टर नंबर 16 जिसमें आपको पॉइंट्स के ऊपर से ये जो स्टोरी है वो लिखनी है अपनी टेक्स्ट बुक में, तथा हमने जो ग्रामर का टॉपिक सीखा विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, तो वो भी आपको सीखना है और इसकी एक्सरसाइज इस प्रकार से कंप्लीट करनी है।